सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रोशन गेमर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम एक बार फिर से खेलने वाले सर्वाइवल आइसलैंड 2। सो इसकी पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमारा फर्स्ट डे था, तो उसमें हमने इसका फनी गेम प्ले वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो ये वीडियो होने वाली आज बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी अपनी जो इन्वेंट्री में आकर तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी सारी वुड हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने बहुत से ट्रीज को काटा था, इसलिए मेरे पास इतनी जो वुड हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। तो ये सारी वुड तो आप देख ही सकते हैं, आधी जो इन्वेंट्री है मेरी वुड से भर चुकी है। लेकिन अभी हम थोड़ी सी और वुड को कलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि हमें वुड की चीज़ें बनानी है, इसमें सब कुछ जो भी वुड का ही बनाना है। इसमें हमें हमारा शेल्टर बनाना है और उसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें, अपने घर है उसके वॉल्स वगैरह, वॉल्स डोर्स जो भी चीज़ें घर में चाहिए वो सारी इसकी वुड की होगी। तो वुड बनाएंगे, उसके बाद वुड से हम प्लैंक बनाएंगे। तो वुड के बाद हम प्लैंक बनाएंगे, तो प्लैंक भी वुड के बनते, इसलिए हमें वुड की ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें लगेंगी। तभी आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड माइन कलेक्ट कर लिए यहाँ से, और अच्छी खासी गोल्ड माइन हमें मिल चुकी है यहाँ से। तो अभी आज यहाँ से हम सिर्फ इसी टाइप से हम इसमें आज के दिन थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह गोल्ड माइन मतलब जो भी चीज़ें इसमें वो हम कलेक्ट करेंगे। तो स्टोन यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया, तो स्टोन भी हमने कलेक्ट कर लिया। और गाइस आपको मुझे कमेंट में बताना हमें घर किस जगह पर बनाना चाहिए इसमें। तो अब हम इसमें सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली हमें घर बनाना पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं वहाँ पर बनाऊँगा घर। तो गाइस मैं आपको हिंट दे देता हूँ किस टाइप का घर हमें बनाना चाहिए। तो वहाँ पर हमें बुश करने के लिए कुछ बेरी वेरी का इस टाइप से पेड़ पौधे भी होने चाहिए, पेड़ भी होने चाहिए जो कि हम काट सके और सामने देख सकते, उस टाइप के पेड़ नहीं चाहिए हमें जो कि कटते नहीं शो पीस के लिए, तो उस टाइप के नीचे कट सके वो उस टाइप के पेड़। और पल्म ट्री वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा उस टाइप के, यानी थोड़ा सा अच्छा खासा हो। वहाँ पर हम अपना जो है बेस बनाएंगे, अपना बेस सॉरी अपना घर बनाएंगे। तो हम अभी इसमें थोड़ा बहुत अभी जो है वुड भी कलेक्ट तो हमने अच्छी खासी इसमें कर ही लिए। तो यहाँ पर हम स्टोन तोड़ रहे हैं अभी, तो स्टोन और इसमें बहुत सी चीज़ें स्टोन है और सेंड है बहुत सी चीज़ें, तो वो भी हम कलेक्ट करेंगे। और ये डोडो हमारा फिर से कहाँ पर जाने लग गया था। तो हमारे सामने एक और गोल्ड माइन है, उसको भी हम कलेक्ट करके देखते कितने उसमें से गोल्ड हमें मिलते हैं। तो अभी आप देखना इसमें से मतलब जुरासिक सर्वाइवल में तो हमें दो चार मिलते थे, लेकिन इसमें सीधे 20-20 मिलते। तो आई थिंक सिर्फ एक ही से हमें 100 तो मिल ही जाते होंगे। तो यहाँ पर अभी हम फिर से इस ट्री को भी कट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बता दिया, हम भी इसमें ट्रीज कट करेंगे और बुश वगैरह में खाने पीने के जो भी सामान वो सारा सब कुछ करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर से हमारा जो घर कम्प्लीट कर देंगे, क्योंकि घर बनाने लेके बहुत ही ज़्यादा हमें चीज़ें वुड ज़्यादा चाहिए और स्टिक भी चाहिए इसमें, तो स्टिक भी होनी चाहिए हमारे पास। जितनी वुड है आई थिंक उतनी भी हमारे पास स्टिक होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें स्टिक भी होनी चाहिए, इसलिए हम स्टिक को भी कलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बूस्ट वगैरह कर लेते हैं, हमारी हेल्थ देख सकते फूड वाली बहुत ही कम हो चुकी है। तो अभी मैंने यहाँ पर बूस्ट का देखा था, तो उसको हम अभी लगा लेते हैं, यहाँ पर बूस्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं वो मिल सके। तो यहाँ पर है ये बुश, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देख सकते हैं मेरे लीव्स और इलायची वगैरह में मिल चुकी है, तो इसको अभी हम खा लेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल मीट खा लेते हैं, अच्छी खासी हमारी हेल्थ हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी हम फिर से जो अपने वुड कट करने पर ध्यान देते, और वो सामने देखिएगा इस डाइनासोर, तो हम इससे कुछ भी पंगे नहीं लेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं इनको मारने के लिए। तो हमारे हथियार भी बनाने होंगे हमें ताकि हम इन्हें मार सके आसानी से, और हथियार भी हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब सब कुछ पूरी सीरीज स्टार्ट किए तो सब कुछ हम इसमें करेंगे धीरे धीरे चलकर। और सामने देखिएगा अंडे इतने सारे, तो अंडे हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये डायनासोर को जाने देते हैं यहाँ से। तो डाइनो तो यहाँ से जा चुका है, हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने अंडे। और देखिएगा कैसे अंडों पर आकर हमारा जो ये डोडो बैठ चुका है जैसे इसी के अंडे हो। तो देखिएगा इस कैसे आकर बैठ गया, इसको यहाँ से हटाते और अब हम अपने जो अंडे कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी हमें मिल चुके दो, एक टोटल हमारे पास हो चुके हैं और 20 होंगे, तो क्या पता क्या मिल जाएगा हमें।
और यहाँ से ये बहुत बड़ा रिवर पानी जो एरिया है यहाँ पर। तो हमारे पास ये डायनासोर आ चुका है, इसको ये बहुत बड़ा गंदा डैमेज दे रहा है, तो हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो ये हमें मार ही डालेगा। तो अभी हम यहाँ से भाग लेते हैं और यहाँ से थोड़े बहुत पेड़ को भी कट वट कर लेंगे हम। और गैस ये वाले तो ये इनका भी मैं बता देता हूँ, इनसे हमें फाइबर मिलता है गई। ये देखिए गैस पल्म ट्री है ये, तो इनसे हमें फाइबर मिलता है गई इनको कट करने से, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें फाइबर से हम कुछ भी जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं वो सारी तो है ही है। तो इसको भी हम अभी कट कर लेते हैं, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये डोडो कहाँ पर जा रहा है, तो ये फिर से उसको मारने चला गया। अभी ये मरकर ही आएगा मेरे को लगता है, इतना बड़ा जानवर है उसके सामने ये इससे फाइट ले रहा है। तो अभी हम यहाँ से भाग लेते हैं, नहीं तो ये अभी हमारा डोडो भी शहीद हो जाएगा, हम भी शहीद हो जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा स्टोन है, बिग स्टोन। तो यहाँ से देखते कितने हमें स्टोन मिलते हैं। तो स्टोन स्टिक जो भी है वुड सब कुछ आज हम कलेक्ट कर लेंगे। एक बार हम इन्वेंट्री में जाकर देख लेते गाइस। तो गाइस देखिए हमारे पास कितने सारे जो है वुड से भर चुकी है हमारी इन्वेंट्री। तो वुड ही वुड हमें जो इन्वेंट्री में दिखने को मिल रहा है, और हमारी इन्वेंट्री भी फुल हो चुकी है गाइस, अभी आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कितने सारे वुड हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो वुड भी है और ये कुछ हमने सेंड भी कलेक्ट किया था वीडियो में, वीडियो बन जाने के बाद। तो हम वो सब कुछ करेंगे और गाइस सामने देख सकते हैं कितना बड़ा जो डाइनासोर है। तो गाइस हम इस वाले एरिया में हम अपना घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर थे, इनसे हमें खतरा रहेगा। इसलिए हम इस साइड तो हम अपना घर नहीं बनाएंगे, कुछ अच्छी सी जगह देखेंगे वहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक क्ले, तो इसको भी हम तोड़ते हैं। और इन्वेंट्री भी हमारी फुल हो चुकी है, तभी हम यहाँ से भाग लेते। और ये बहुत ही बुरा हमें मार रहा है, तो इसको यहाँ से हम छोड़कर भाग लेते यहाँ से गाइस। और अभी हम मैप में देखते कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पर हम अच्छे से सर्वाइव कर सके, जहाँ पर ज़्यादा क्रिएचर्स मॉन्स्टर ना हो और हम इजीली वहाँ से सर्वाइव कर सके। तो मैं अभी मैप में ओपन करके देखता हूँ यहाँ से। तो अभी हम कहाँ पर है, तो अभी हमें इस साइड, तो इस साइड नहीं आई थिंक हमें इसी साइड सिंपल लेक जो है यहाँ पर, इसी साइड हमें जो है आई थिंक अपना जो है घर वर बनाना चाहिए यहाँ पर, इस वाले एरिया पर। तो अभी हम इस साइड चलकर देखते किस टाइप का यहाँ पर एरिया है। तो अभी हम बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना है इस साइड, तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर अच्छी जगह होगी तो हम वहीं पर अपना जो एक घर बना लेंगे, शेल्टर अपना बना लेंगे, और वहीं पर अपना अड्डा हम जमा लेंगे। तो अभी हमारे पास बुश करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ से बुश कर लेते हैं ताकि हमारी फूड वाली जो बढ़ जाए, तो यहाँ से हम बुश कर लेते हैं। तो हमें बेरी जो मिल चुकी है यहाँ से, इलायची, इन सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक्कड़ है बहुत ही बड़ा, इसको बहुत ही थोड़ी थोड़ी देर में इसको भूख लगती रहती। तो हम इस ट्री को भी कट कर लेते हैं, इन्वेंट्री हमारी फुल हो चुकी है गाइस। तो इसमें एक तो इन्वेंट्री बहुत ही छोटी गाइस, देखिए यहाँ से सिर्फ 24 चीज़ें हम एक बार में इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, और जुरासिक सर्वाइवल में इससे तो ज़्यादा ही थी, 48 हम कलेक्ट कर सकते थे। तो चलो अभी तो ये यही है, तभी हम रेड इलायची खा लेते ताकि हमारी हेल्थ फुल हो जाए। तो हमारी हेल्थ हो चुकी है, फिर से थोड़ा सा बुश कर लेते ताकि हमारे जो आगे चल सके ये खाना। तो इन्वेंट्री हमारी फुल होती जा रही है, तो चलिए गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। और गाइस हम वहाँ पर जाकर देखते जहाँ पर हमने बोला था वहाँ पर अच्छी जगह होगी, तो हम वहीं पर अपना जो है शेल्टर अपना बना लेंगे, अपना घर। तो चलिए गाइस वहाँ पर जाकर हम मिलते। तो कोई सभी हम उस वाली जगह पर आई थिंक आ चुके हैं, हम मैप में जाकर देखते हैं। तो यहाँ से हम अभी तो यहीं पर आए, लेकिन यहीं पर ये वाली जगह भी मुझे अच्छी लग रही है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो सेंड भी मिल चुकी है यहाँ पर, तो हम सेंड को पहले कलेक्ट कर लेते। तो यहाँ पर हमें ये स्पॉन होते रहते हैं, तो यहाँ पर हमें सेंड भी मिल जाएगी एक तो, और यहाँ पर हमें जो यहाँ पर आप देख सकते सामने पल्म ट्री भी है, और यहाँ पर नज़ारे भी इन ट्रीज़ के भी अच्छे खासे, और ये हमें नॉर्मल ट्रीज़ भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर बुश करने के लिए भी हमें यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये गोल्डन लाइची है जो भी। तो और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ पर अपना जो
जो एक घर बना ले यहाँ पर इस वाली जगह पर, तो इस वाली जगह पर अच्छा रहेगा हमारा घर, और सामने इस टाइप के पेड़ पौधे भी होंगे, नज़ारे भी अच्छे खासे होंगे। तो ये जगह मेरे को ठीक ठाक लग रही है गाइस। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये वाली जगह कैसी है घर बनाने के लिए अपने, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई जगह पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, उस वाली जगह पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम अपना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है पूरा घर का जो है घर ही बनाएंगे, उसमें हम जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता होगी उन सभी के हम जो है उस वाले वीडियो में हम कवर कर देंगे। यानी पूरा वो वीडियो घर के ऊपर ही होने वाला है, घर कैसे बनाते हो और सारा कुछ उसमें टॉपिक कवर हो जाएगा। सो गाइस आज का ये वीडियो इतना ही, तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।